बड़ा पेंता सेवा सेवा बिरसा मुंडाना सेवा सेवा बंटी वाड़ीवाना सेवा सेवा बुलबू वाड़ीवाना सेवा सेवा रेंगा कोरकुना सेवा सेवा मुटवा बाबाना सेवा सेवा। नमस्कार जोहार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनूपाल से। आप देख सकते हैं हमारे साथ बंटी वाड़ीवा जी है, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के सवालों का जवाब देकर, सही उत्तर देकर 50 लाख रुपए जीते। और देख सकते हैं उनके साथ उनके पिताजी भी मौजूद है, और हम बंटी भाई से बात करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचे, क्या उनका संघर्ष रहा है, किस प्रकार वो इस मुकाम पे हासिल किए। तो चलिए मुलाकात करेंगे। तो बताइए बंटी भाई, कैसा रहा आपका सफ़र केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार बैठकर, वो अनुभव बताइए। हाँ, ये जो सफ़र था काफ़ी कठिन भी था, काफ़ी लंबा था। 2017 से 2024 तक लगभग 8 सालों का समय लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अनुभव बहुत अच्छा रहा अपने बैतूल ज़िले की। ये बहुत बड़ी पहली उपलब्धि है, और अपने आदिवासी भाई बहन के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार ऐसा मौका मिला है, इसमें सभी ज़िलेवासी खुश है, अपने गांव खेड़े वाले तो खुशी है ही है। और ऐसा कौन सा सवाल है जहां आपको एक डर सा लगा? डर तो सबसे बड़ा लास्ट वाला प्रश्न पे लगा था, जो 1 करोड़ का प्रश्न था, क्योंकि उसमें बहुत डर लगा था। अगर मैं उसको खेल लिया तो गलत भी हो सकता था, जो बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मैंने सूझबूझ या समझदारी से उस प्रश्न को छोड़ना पड़ा। तो क्या डर लगा आपको बताइए? ये लगा, अगर गलत हो जाता तो 1 की जगह 3,20,000 पे आ जाते, मतलब एकदम नीचे गिर जाते, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कुल मिला के एक तरह से जुआ जैसा था। हाँ, ठीक, बस वैसे ही सीधा 47 लाख का चलते रहता है। हाँ, पूरे 47 लाख का नुकसान हो जाता। और आज मैं जो है, मैं आप कैमरे के सामने ये नहीं बता रहा होता अगर नुकसान होता तो। और बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किन का साथ मिला? सबसे बड़ा साथ इसमें पेरेंट्स का, और ऊपर से हमारे आसाड़ी वाले ग्रामवासी का साथ बहुत बड़ा रहा। उसके ऊपर से हमारे वारिवा परिवार का बहुत बड़ा साथ रहा, अपने पड़ा पियन का बहुत बड़ा साथ रहा। हमने आपका पूरा एपिसोड देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जनता जनार्दन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हाँ, क्योंकि उनके ऑडियंस पोल जो थे उनमें आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। ऐसा क्यों? ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, और वो सभी गुणी होते हैं, उनमें ज्ञान भरपूर होता है जितने सारे ऑडियंस बैठे होते हैं, इसलिए मैंने ऑडियंस पोल का जो लाइफ लाइन है बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया। तो आप ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती है वो मतलब जो खेलने वाला कंटेस्टेंट होता है उनके लिए बहुत बड़ा मतलब मददगार होते हैं, लाइफ लाइन जो यूज किया जाता है उनके द्वारा। और केबीसी में अगर यहाँ के युवाओं को जाना है तो किस प्रकार उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाए, उसकी जानकारी? हाँ, वो मंच तक जाने के लिए बस उनको जो प्रोसेस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है, आईवीआर कॉल, ऑडिशन कॉल, फिर फाटक तीन दफा तो फिर पहुँचते हैं। ये कुछ 4-5 लेवल होते हैं, बस इनको पार करना होता है। ना किस्मत होगा तो एक ही बार में फ़ोन आ जाता है, नहीं तो लोग बाग तो 20-25 से ट्राई करते हैं, बोले हमारा फोन ही नहीं आता है, ऐसा भी कहते हैं। और आपने कितनी बार दिया? हाँ, मैंने जो लगातार 3 बार ऑडिशन दिया, 22, 23, 24 लगातार। हालांकि 17 से लगा था, लेकिन 17 से पीछे के जो 4-5 साल तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर लगातार धीरे 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 हम वहाँ तक मतलब उसके करीब आते गए धीरे धीरे। काफ़ी समय लगा, लगभग 8 साल का, 17 से लेकर 24 तक। और मुंबई इस दौरान कितनी बार गए? मुंबई जो है हम 3 बार जा चुके हैं, क्योंकि पिछले बार 2 ऑडिशन दिए और ये 2024 तीसरा ऑडिशन था जो वहाँ जाना हुआ। तीसरे ऑडिशन में आप सफल हुए? हाँ, तीसरे ऑडिशन में सफल हुए, क्योंकि पिछले के जो 2 ऑडिशन थे 2022 और 2023 के ऑडिशन में हमने बहुत कुछ सीखा, जो गलतियाँ की थी वो गलतियों को नहीं दोहराया 2024 में, और सिलेक्शन हो गया। और जो अपने आदिवासी समाज के युवाओं के लिए केबीसी में जाने के लिए क्या कहना चाहूँगे? हाँ, केबीसी में जाने के लिए हमारे युवाओं को ये कहना चाहूँगा, अगर वो चाहते हैं वहाँ तक जाना तो बस उनको मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है। और मेहनत लग सकती है, जैसे मुझे तो 8 साल लगे, हो सकता है उनका पहले साल में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है दूसरे साल में हो जाए, तीसरे साल में हो जाए, ऐसा हो सकता है। किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी का बहुत टाइम लग सकता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। वो पहला अनुभव बताओ जब आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे। पहला अनुभव जो था
काफ़ी खुश था अनुभव। फाइनली जब सपना जब सच होने वाला रहता है तो फिर उसमें तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ बैठे हैं। और अमिताभ सर के सामने साथ में हमने बैठा, जवाब दिया, बहुत सारे बातचीत की। और जब बातचीत करना शुरू किया अमिताभ सर ने तो हमें ऐसा लगा कि वो अपने घर का सदस्य बात कर रहे हैं, मतलब एकदम नॉर्मली। मतलब डर कुल मिला के डर लगा ही नहीं उस समय। डर इसलिए नहीं लगा क्यों से कि ये जो मेहनत था, 8 साल का था, 8 साल का जब मेहनत है, संघर्ष जब सामने होता है तो डर तो अपने आप चला जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप जब बैतूल से बम्बई गए थे तब आपके अकाउंट में कितने रुपए थे? हाँ, जब हम मतलब व्हाट्सएप पर बैठे थे उस समय अकाउंट में 260 के लगभग थे, 260 रुपए, जिसका जिक्र मैंने इस एपिसोड के दौरान भी किया अमिताभ सर के सामने। और जब वापस बैतूल आए तब कितने हो गए थे? हाँ, जब वापस आए तो हो चुके थे 51,07,260 रुपये। और इसमें चलिए हम और आपके पापा जी भी यहाँ मौजूद है। और बताइए, आपके पुत्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि करी तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? भैया नमस्कार, सेवा जोहार। इसके बहुत में मर बहुत खुश रहा मैं। और क्या कि इसमें मेहनत बहुत ही ज़रूरी लगता है। इसमें अपने को बच्चों पे ध्यान देना अच्छे से तरीका रहता है, ध्यान देना अच्छे चाहिए, मतलब अपने घर के काम भी बताना चाहिए और वो मतलब उसको पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब इसके लिए पढ़ाई मतलब अच्छे से करना चाहिए भैया, मेहनत भी कर सब झूठ बात। जैसा कि हमने आपके दो स्टेटमेंट जो आपके बयान थे जिसमें आपका बेटा जीत कर आया थे, तो आपने बोला कि बेटा घोड़ा गाड़ी मत लेना। जी सर। तो क्या किस प्रकार आपने कहा था? सर मैं बोल दिया ना कि मतलब गाड़ी घोड़े कोई काम के नहीं रहते, कोई भी अच्छे सी चीज़ मतलब जिंदगी जीवन में दिखना चाहिए वो कुछ चीज़ दिशा के रखते हैं, ये मेरा उद्देश्य था। और जिस प्रकार समाज ने इतना सम्मान दिया, वो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? वो समाज के लिए अच्छी संदेश दे रहा हूँ भैया, फिर मतलब बढ़िया सब खुश रहना चाहिए, सब अपने परिवार भाई हो या छोटे मोटे जो भी है अपने, मतलब खुश रहना चाहिए। और अपने छोटे जो बच्चे आपकी जो परिवर्तन है ये मतलब देख कर सीख के मतलब जा सकते, अपन आशीर्वाद दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं मुनालाल वाड़ीवा जी, धारा सिंह सलामे जी और तुलाराम उइके जी, दिलीप सलामे जी और अपने वाड़ीवा सर मोहनलाल बल्टी जी और तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद है। और आज आदिवासी मंगल भवन में इनका सम्मान समारोह रखा गया था जो कि बहुत ही शानदार और बेहद तरीके से मनाया गया है। धन्यवाद। सेवा जोहार। जय आदिवासी।